मैं क्लच करके कैसे रखती हूँ, तो इस तरह से मैंने माला झोली ले रखी है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये माला झोली मेरे को हो गए जब मैं मालाएं लाई थी, 6 साल हो गए मुझे, तो ये वृंदावन से ही लाई थी मैं। ये देखिए कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल बने हुए हैं। तो ये माला झोली में, जैसे कि मालाएं इतनी हैं, तो इसमें बस ये फ़ायदा है, आजकल जो माला झोली मिलती हैं तो एक तो ये पॉकेट हो जाती है इसकी माला रखने के लिए। जैसे मैं आपको रख के दिखाती हूँ, जैसे ये मैंने इसमें माला रखी है इसमें, और इसके साथ एक चैन आपको और मिलती है। देखिए इसको खोलेंगे तो ये दूसरी पॉकेट भी खुल जाएगी, तो ये हमारी दूसरी माला इसमें आ जाएगी। तो दो माला हम एक पॉकेट में आ जाती है ऐसे, इसे हम लॉक कर देंगे। तो देखिए दो माला हमारी एक पॉकेट में आ गई, और इस तरह से जैसे हमने इसमें अभी माला डाल दी थी, तो इसमें हमने दो माला डाल दिया। हमने जिसका भी जाप करना है उसको हम इस साइड ले आएंगे माला को, और इस तरह से हम पहले जो ये छोटी सी दिख रही है इसकी, इसको यहाँ से पकड़ लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये उंगली बाहर रहती है और ये हम अंदर जाए इसको करेंगे, तो हम ये वाली जो फिंगर है इसको हम इससे निकाल लेते हैं माला जाप करने के लिए। फिर आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे करिए, आपको नहीं हो रहा तो इस तरह से लपेट लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने लपेटी है, और कई लोग गले में डाल के भी माला कर लेते हैं, तो इस तरह से ये माला जाप हो जाता है। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये जो माला झोली होती है, तो ये दो दो माला एक झोली में आ जाती है, और जिसका भी आपको जाप करना है वो इस साइड ले आइए और कर लीजिए। तो इस तरह से मेरे पास ये है माला, ये झोली माला झोली, और एक माला झोली मेरे पास ये राधा किशन की है, देखिए कितनी सुंदर है ये देखिए। तो इसमें भी सेम प्रोसेसर वही है, तो ये वाली माला मैं वैजयंती माला भी इसमें डालती हूँ, और ये तुलसी की माला इधर की साइड डालती हूँ दूसरी साइड। ये देखिए पॉकेट बनी हुई है जो, तो ये इस तरह से ज़्यादा माला झोली भी नहीं लेनी पड़ती और ये हो जाते। तो ये कि मेरी राधा किशन की माला झोली है, देखिए कितनी सुंदर बने हुए। ये भी राधा किशन है, ये थोड़ी थिक में है मेरी माला झोली, ये जो ये नहीं कान्हा जी बने हुए हैं ओनली, इस पर मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। देखिए कान्हा जी बने हुए हैं इसमें, ये पूरी कढ़ाई हो रखी है इस पर देखिए। तो इस तरह से आपको हैवी में अगर लेनी है तो माला झोली आराम से आपको हैवी मिल जाएगी, इसमें भी सेम यही है। तो इसमें मैं ये आपको ये वाली माला डाल के दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने कमलगट्टे की माला डाल ली, कि ये एक इतनी हैवी है, बट इसमें हम दो भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी चैन है, ये देखिए, तो ये भी मेरे कान्हा जी की, ये देखिए माला झोली कितनी सुंदर है। और एक ये नॉर्मल आपको हर जगह ये वाली माला झोली चाहे मुश्किल से मिले, क्योंकि ये ऐसी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी अच्छी और थोड़ी लाइट क्वालिटी आती है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी वाली है, थिक वाली है। तो ये देखिए अब ये माला भी मैं इसमें डाल दूँगी इसमें, लेकिन ये वाली जो आपको माला झोली मिलेगी ना, इसमें आपको चैन नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल हर जगह मिलती है ये, इसमें ये एक ही माला जाप करने के लिए होती है। देखिए इसमें आपको चैन नहीं मिलेगी, ये सिंगल होती है, बट जो आजकल ऐसी चली हुई है तो माला झोली इनमें चैन। तो देखो मेरी सारी जो मैंने माला है इसमें कलेक्ट कर लिया है, ये माला मेरे गले में जाएगी और मैं पहन लूँगी। तो देखिए तो इस तरह से मैंने आपको अपनी माला झोली भी दिखाई और अपनी जाप माला का कलेक्शन दिखाया। तो आप मैं बार बार बोलती हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करना, और आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताना। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।